Assalamu alaikum, class 10, welcome to your online lecture. The topic that we are going to discuss today is refining or purification of metal from the chapter Chemical Industries. Related to this, we have already studied about the concentration of ore and the extraction of metal from the concentrated ore. So now we have to actually refine or purify that metal which we have already extracted. अब जो एक्सट्रैक्टेड मेटल था वी आर गोइंग टू रिफाइन और इट और इंड फॉर प्यूरीफिकेशन वी आर गोइंग टू यूज़ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉलिस वट हैपन्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉलिस इज वट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास नाइन इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में आपने इसके बारे में पढ़ा है सो so, हम जल्दी से इसका एक क्विक ओवरव्यू ले, ले, ले लेते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉसिसज इसके बेजर कौन कौन सी चीज़ें हैं कॉन्सिटेंट्स कौन से हैं इसके कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल किस तरह से होती है इसको हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉलिस में वी हैव टू नो अबाउट टू थिंग्स इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट इज द सॉल्यूशन एंड व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोड्स हमने यहाँ पर दो तरह के यूज करने हैं दो तरह की रॉड्स यूज करनी है कैथोड और एनोड इन दोनों को हम कंबाइन करके कह देते हैं कि ये दोनों हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं और ये दोनों करते क्या हैं इनका फंक्शन क्या होता है इलेक्ट्रॉलिस होती किस तरह से है ये हमारे पास एक असम्बली होती है एक सेटअप होता है जिसके अंदर वी हैव अ कंटेनर लाइक इस डायग्राम में अगर आप देखो तो एक कंटेनर होता है इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड फिल्ड होता है वो लिक्विड कि किस किस चीज़ का होता है वो एक सॉल्ट का सोल्यूशन होता है उस सोल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट नाउ डिपड इन दैट इलेक्ट्रोलाइट देर आर टू इलेक्ट्रोड्स ये जो आपको येलो और ग्रीन कलर के जो पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं ये दो रॉड्स के ऊपर हैं जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में यहाँ आपको इस पिक्चर में नजर आ रहे हैं ये दोनों सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो आपको नजर आने हैं व्हाट आर दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रोड्स इसमें से एक होगा कैथोड और सेकेंड वन इज़ एनोड इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है चार्जेस का डिफरेंस होता है इन दोनों के ऊपर होने वाले रिएक्शंस का डिफरेंस डिफरेंस होता है इसके अंदर और वो किस तरह से होता है दैट वी नो दैट एनोड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड कैथोड इज़ ऑलवेज नेगेटिव और दो तरह के रिएक्शन जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पढ़े थे क्लास नाइन्थ में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस सो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी वायो ऑक्सीडेशन बिकॉज एनोड नोड एज ए इज पॉजिटिवली चार्ज सो ऑलवेज ऑल ऑफ द नेगेटिव चार्जेस विल भी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एंड वेन नेगेटिव चार्जेज आर अट्रैक्टिव टूवर्ड्स एनी पॉजिटिव पोल विच इन दिस केस इज ए नोड जब उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो दे विल लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स जब वो वहाँ पर जाएंगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन सो दैट्स वाई देर इज ऑक्सीडेशन ऑन एनोड इसी तरह से अगर हम कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज है सो इट मीन्स दैट पॉजिटिव चार्जेस विच मीन कैटाइन्स वो इसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे जब वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो पॉजिटिव चार्जेस ने कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज था इसके पास जाकर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वी कॉल रिडक्शन सो देर इज रिडक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड तो ये आपके पास एक जनरल इलेक्ट्रोलिटिक्स सेल की डायग्राम है उसका कंस्ट्रक्शन है कि किस तरह से होता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक्चुअली होता क्या है इट इज़ अ सेल इन विच वेन वी कंप्लीट द सर्किट वेन वी कनेक्ट दीज टू इलेक्ट्रोड्स विद अ बैटरी जब आपने इसको किसी पावर सोर्स या बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है अब वो रिएक्शन किस तरह से होगा कि जो आपके पास सोल्यूशन था विच वॉज एन इलेक्ट्रोलाइट जब वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी सर्किट कम्प्लीट हो जाएगा ना तो इलेक्ट्रिसिटी के पास करने की वजह से वो आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा और आइंस में कन्वर्ट होने की वजह से उसकी डेपोजिशन ईजी हो जाती है सो so, इसके अंदर क्या होता है कि रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल के अंदर जब हम यूज करते हैं तो हमने क्या करना है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हमने बात की थी कैथोड और एनोड के बारे में तो कैथोड और एनोड भी तो स्पेसिफिक किसी चीज से बने हुए होने चाहिए ना तो जब हमने एक्सट्रैक्शन कर ली रिफाइनिंग करनी है तो हम क्या करते हैं कि एनोड हम उस मेटल का लेते हैं जो हमारे पास इमप्योर कॉपर था जो एक्चुअली क्या था जो हमने एक्सट्रैक्ट किया सेकेंड प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी के अंदर सेकेंड स्टेप ऑफ मेटलर्जी के अंदर जो हमने मेटल एक्सट्रैक्ट किया था फ्रॉम द ओर हमने उसका बना लेना है एनोड और जो दूसरी तरफ आपका कैथोड होगा कैथोड आपके पास होता है प्योर कॉपर का वो वाला कॉपर जिसके अंदर से आपने आइंस को डिपॉज़िट करना होता है अब ये जो दोनों चीज़ें होती हैं ना ये वही क्लास नाइन्थ से रिलेट कर रही हैं कि आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मैथड्स पढ़े थे आपने उसमें पढ़ा था किस चीज़ को के प्रिवेंट कैसे की जा सकती है क्रोयन तो उसमें भी हमने ये देखा था कि वो मेटल जिसको डिपॉज़िट करना होता है उसको हमने रखना है एनोड और जिसके ऊपर डिपॉज़िट करना है दैट इज़ के तो ये इस तरह से हमने वहाँ पर भी देखा था सो so, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा थ्रू द सॉल्यूशन तो उसी तरह से जो एनोड होगा यानी कि जो इमप्योर कॉपर था यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो इम्प्योर कॉपर है वो यहाँ बहुत बल्क में प्रेजेंट है बहुत उसकी थिक सी थिक से उसके आपको रॉड्स ही नज़र आ रहे हैं थिक सा मेटल नज़र आ रहा है तो ये इमप्योर कॉपर क्या होता है ये डिजोल्व करना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे ये डिजोल्व होता है तो ये कॉपर आइंस प्रोड्यूस करता जाता है ये जो इलेक्ट्रोलाइट नीचे होगा उसके अंदर आपके कॉपर आइंस की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है ये कॉपर आइंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं क्योंकि कॉपर आइंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ये कैथोड की तरफ को मूव करते हैं और कैथोड पर मूव करने के साथ ही क्या करते हैं वहाँ पर जाकर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो ये न्यूट्रल होते जाते हैं और वहाँ डिपॉजिट होते जाते हैं तो इनकी डिपोजिशन की वजह से जो कैथोड है वो थिकर होता जाता है जिस तरह से उसके ऊपर वो डिपॉजिट होते जाएंगे तो यहाँ आपके पास जो कैथोड है वो थिकर होता जाएगा ये देखें कि ये दोनों जो उसकी बार्स थी वो ऑपोजिटली चार्ज जो थी यहाँ पर पहले ये येलो जो इमप्योर कॉपर था वो था अब यहाँ पर आपके पास प्योर कॉपर की जो बार है वो थिक होती जा रही है तो ये थिक होता जाता है इस प्रोसेस में जो आपके पास इमप्योर कॉपर है वो एनोड से डिजोल्व होता जाता है और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लेना है ये जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज एक्चुअली अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड ये उसके अंदर जाता है जैसे जैसे उसमें जाता है तो वो कॉपर आइन्स तो डिज़ोल्व होकर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर मूव करते जा रहे हैं तो उसी तरह से प्योर कॉपर आइंस जो हैं वो सोल्यूशन में से डिपॉजिट होते जाते हैं आपके कैथोड के ऊपर तो इस तरह से ये रिएक्शन चलता जाता है कि इमप्योर कॉपर में से कॉपर आइंस डिज़ोल्व होकर इलेक्ट्रोलाइट में जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट से डिजोल्व इलेक्ट्रोलाइट के जो अपने कॉपर आइन्स होंगे वो चलते जाएंगे प्योर कॉपर की बार के ऊपर तो इस तरह से उसका जो बार होगा यानी कि आपका जो कैथोड होगा वो थिकर होता जाता है इस तरह से हम अपने कॉपर मेटल को प्योर करते जाते हैं इम्प्योरिटीज़ उसकी सारी हम ख़त्म कर देते हैं और ये आपके पास अब प्योर हालत में अपनी एक प्योर फॉर्म में कॉपर मेटल ऑप्टेन हो जाता है सो दिस इज़ हाउ रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल इज़ डन इसकी रिफाइनिंग या प्योरीफिकेशन जब हम करते हैं तो इसकी साथ हमें यह चीज़ ऑप्टेन हो जाती है सो so, यहाँ पर आपको एक छोटी सी एनिमेशन नज़र आ रही है कि क्या होता है कॉपर सल्फेट के आइंस डिजोल्व होकर प्योर कॉपर के ऊपर डिपॉजिट होते जाते हैं और इस तरह से ये वाली जो बार होगी इट विल बिकम थिकर एंड थिकर तो जैसे जैसे ये थिक होती जाएगी तो इसका मतलब है कि इसने क्या करना है के यहाँ पर इसकी प्योफिकेशन होती जा रही है रिफ़ाइनिंग होती जा रही है सो दैट इज़ ऑल अबाउट रिफाइनिंग और प्योरीफिकेशन ऑफ़ मेटल्स हमारा यहाँ तक जो था मेटलर्जी का प्रोसेस अलहमदल ख़त्म हो गया सो so इनशाला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अल्लाह हाफ़िज़